हेलो दोस्तों, आज के मार्केट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, तो सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं जो मैं आपको मॉर्निंग में ट्रेड अपडेट किया था, ताकि आप लॉजिक समझ जाओ। दोस्तों देखो, मैं हर एक वीडियो में अपने लॉजिक को एक्सप्लेन करता हूं, ताकि आप सीखते रहो, हर एक डेली सीखते रहो, क्योंकि जो ऑप्शन चैन है वो बहुत पावरफुल चीज है और डेली बेसिस आप सीखते रहोगे तो आपको अच्छा खासा बेनिफिट होगा। तो चलिए बात कर लेते हैं, एंड इस वीडियो में आपको ऑप्शन डेटा के बारे में कुछ सीक्रेट बातें बताने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और काफी ज्यादा आपको हेल्प मिलने वाला है। ओके, एंड वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो 19,400 सी मैंने अपडेट किया था 9:55 पे, बाय करने बोला था 145 पे, एसएल था हमारा 135 का, और जो टारगेट हमारा इसने दिया था वो आप देख सकते हो लगभग 166 का, यानी 145 166 तक गया था। मोस्ट यहाँ पर 21 पॉइंट आपको मोमेंटम मिला था। 21 पॉइंट में से अगर आप 10 पॉइंट भी कैप्चर करते हो तो भी आप बहुत अच्छा प्रॉफिट कर रहे हो। ठीक है, आप दूसरे का कभी मत कॉपी करो। दूसरे कॉपी करने के चक्कर में आप अपना लॉसेस करोगे। ठीक है, दूसरा कोई भी पर्सन ट्रेड कर रहा है तो वो अपने कैपिटल पे ट्रेड कर रहा है ना। आपका कैपिटल कुछ और हो सकता है, दूसरे का कुछ और है। ठीक है, तो वो अपने कैपिटल का रिस्क लेकर ट्रेड कर रहा है, उसके लिए 5 पॉइंट बहुत है। आपके लिए हो सकता है, आप लोग के अगर आपके पास कम कैपिटल है तो 5 पॉइंट आपके लिए बहुत नहीं है। ओके, आपको चाहिए 25 पॉइंट कम से कम, अगर आपका कम कैपिटल है तब जाके अच्छा प्रॉफिट आपका होगा। ठीक है, तो आप क्या फॉलो करो, आप अपने रूल को फॉलो करो। रूल मिस किया, 10 पॉइंट आप मिनिमम कैप्चर करने का कोशिश ही करो। 10% आरओआई आपका होना ही चाहिए हर एक ट्रेड का। ठीक है, दो तीन ट्रेड निकल गया, 30% का आरओआई हो गया, बहुत है उतना। ओके, तो डेटा समझ लेते हैं। डेटा देखो, जब मार्केट एक कंडीशन में आपको समझाता हूँ, यहाँ पर ऑब्जर्व करने का मार्केट जो चार्ट रीडिंग होता है वो मैं एक्चुअली कैसे किया था वो मैं आपको बताता हूँ। हर एक कैंडल का हाई एंड लो, जब भी मार्केट हायर हाई हायर लो हायर हाई एंड कोई भी पैटर्न्स वगैरह बने एंड उसके बाद ब्रेक और हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो हायर हाई एंड उसके बाद क्या हुआ यहाँ पर आपका रिवर्सल, यानी क्या ये बेरिश इंगुल्फिंग कैंडल, तो यानी रिवर्सल। स्ट्रॉन्ग ट्रेड में कभी भी बेरिश इंगुल्फिंग काम नहीं करता है। ओके, ये पॉइंट आप ध्यान रखना। हालांकि यहाँ पर बना है तो इसलिए मैं एक्सप्लेन कर दूँ, बाकी इसका और भी कॉन्सेप्ट है। जब भी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड होता है बेरिश इंगुल्फिंग कभी नहीं काम करता। बेरिश इंगुल्फिंग कब काम करता है, जब मार्केट क्या होता है इस तरह का काम करता है, यानी क्या होता है ज्यादा करेक्शन होता है, यानी क्या होता है कि मार्केट का क्या होता है कि यहाँ पर पोजीशन एग्जिट होता है। ठीक है, सेलर क्या होता है जब ये डाउन आता है पोजीशन क्या एग्जिट कर रहे हैं, और ये वाला जो होता है ये वाला जो स्ट्रेंथ होता है ये वाला, इसमें बायर क्या जो ऐड करते हैं वही लॉस करते हैं, उसके बाद सेलर क्या आता है यहाँ तब जाके बेरिश इंगुल्फिंग काम करता है। ये तो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में था इसी वजह से वर्क नहीं किया, अदरवाइज ये वर्क किया होता। ठीक है, तो जब भी हायर हाई हायर लो कंडीशन में कैंडलस्टिक बनता है तो इसका मतलब ये कि आपका ओपन इंटरेस्ट भी इंक्रीज हो रहा है एंड वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, प्राइस तो इंक्रीज हो रहा है, तो वॉल्यूम एंड ओपन इंटरेस्ट जब भी इंक्रीज होता है तो प्राइस तुरंत रिवर्स नहीं होता है, अचानक से मार्केट गया अचानक से, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा। मार्केट क्या होगा, जाएगा ऊपर, थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट लेगा, फिर अगेन वापस जाएगा। ठीक है, तो धीरे 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 करके वो रेंज होता जाएगा होता है, उसके बाद गिरना स्टार्ट होगा, या तो अप साइड चला जाएगा तो डाउन साइड चला जाएगा, वो अलग सीनियर है। लेकिन डायरेक्टली नहीं गिरता है जब भी इस तरह की कंडीशन हायर इन हायर लो कैंडल, ईच एंड एवरी कैंडल की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक, तो यहाँ पर टाइमिंग सेट क्या होना, वैसे 57 मिनट। सिंपल आपको इस वेबसाइट पे आना है, इस वेबसाइट के बारे में आपको बता बता के थक गया हूँ दोस्तों, कि इस वेबसाइट से आप बेनिफिट उठाओ। बिल्कुल फ्री वेबसाइट है, यही डेटा प्रोवाइड करने के लिए लोग महीने का 2000, 1600, 2500, 3000 चार्ज करते हैं। ओके, तो आपको फ्री में डेटा मिल रहा है, तो आप अप्लाई करो और इसका बेनिफिट उठाओ। करेक्ट, तो यहाँ पर हमारा टाइमिंग अब मैं सेलेक्ट करके आऊँ, आप देखोगे 9:50 से 9:15 के बीच में। अब आपको स्ट्राइक प्राइस को टारगेट करना, मैं आपको बता चुका हूँ जो 3 स्ट्राइक प्राइस वाला फॉर्मूला जो मेरा है उसको आप फॉलो करो। ठीक है, उसको आप फॉलो करो। उसको फॉलो करने के लिए सिंपल क्या है, ये रहा एटीएम प्राइस। ठीक है, अब इसके एक ऊपर वाला है कि नीचे वाला, यानी एटीएम प्राइस को प्राइस ब्रेक कर रही है, कहाँ पर जा रही है, एक इन द मनी में जा रहा है। ठीक है, और एक आपका आउट द मनी आपको उठाना देखना है, बस यही चीजें तो आपको समझना है। एटीएम मतलब एट द मनी वाले स्ट्राइक प्राइस को आपका ऑब्जर्व करना है ओपन इंटरेस्ट एंड वॉल्यूम, उसके बाद ऊपर वाले को समझना है कि वॉल्यूम एंड ओपन इंटरेस्ट, एंड नीचे वाले में जाहिर सी बात है कि आपका क्या होगा, वॉल्यूम भी ज्यादा होगा एंड ओपन इंटरेस्ट भी ज्यादा होगा एंड प्लस चेंज ओपन इंटरेस्ट भी ज्यादा होगा। ठीक है, नीचे वाले में। ठीक है, तो ऐसे ही आप ऑब्जर्व करना है, उसके बाद आपको क्लियर कट आपको कन्फर्मेशन मिल जाएगा, है ना। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे 19,500 के नीचे मार्केट से मतलब 19,500 को ब्रेक करके जा रहा है, किसको ब्रेक कर रहा है, ब्रेक करने वाला है 19,550 को ब्रेक करने वाला। तो आप देखो क्लियरली यहाँ पर 82,000 का कॉन्ट्रैक्ट एक्टिव है। जब कॉन्ट्रैक्ट एक्टिव है और आपको पता है कि क्लियरली यहाँ पर बायस ने क्या है मोमेंटम यहाँ पर बिल्ड किया है, तो मार्केट क्या होगा इसको ब्रेक कर देगा।
ब्रेक करने के बाद 30-40 पॉइंट का मोमेंटम जरूर, इस पॉइंट का मोमेंटम जरूर होगा। बेसिकली वो क्या होगा, 19,600 तक ना जाए, लेकिन आपको 20 तो इस पॉइंट आपको मिल जाएगा जैसे ही आपका 19,550 ब्रेक होगा, ठीक है। तो अगर मार्केट का अगर हाई भी अगर आप देखोगे तो आपको आसानी से आपको मार्केट ने जो हाई लगाया है वो आप देखोगे 19,566 का लगभग आसपास, यहाँ पर आपका कम से कम आपको यहाँ पर ब्रेकआउट से 540 से लगभग 20-30 पॉइंट का यहाँ पर आपको डिफरेंस, यानी 20 पॉइंट आपका मोमेंटम मिला है, ठीक है। तो 10-20 पॉइंट आपको मिल जाएगा, और इसी 10-20 पॉइंट में आपको क्या, आपको प्रॉफिट बनाना होता है, ओके, ठीक है। तो ये रहा आपका ट्रेड का लॉजिक। अब मैं आपको ये वाला एक्सप्लेन करता हूँ जो कि मैंने ही प्रोवाइड किया था आप लोगों को। देखो प्रीमियम ग्रुप को भी मुझे देखना होता है दोस्तों, तो वो भी मैं आपको लॉजिक समझाता हूँ जो मैंने यहाँ पर प्रीमियम ग्रुप पे ये वाला ट्रेड अपडेट किया और पूरा का पूरा हमने कैप्चर किया, मतलब एक पॉइंट भी मिस नहीं किया, तो वो भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। शुरू से मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आप देखोगे 9:12 पे एक स्ट्राइक प्राइस हमने अपडेट किया, 9:12 पे एक स्ट्राइक प्राइस हमने अपडेट किया 19,350 कि जैसे ओपन होगा, मैंने बकायदा वाइस रिकॉर्डिंग करके भेजा कि जैसे ओपन हो तुरंत बाय करो बिना को सोचे समझे। 110 पे बाय किया, 134 पे एग्जिट हुआ, अपना प्रॉफिट हो गया, ठीक है। 15-20 रुपये का प्रीमियम मिल गया, मैंने बोला एग्जिट कर जाओ आप, ठीक है, ठीक। मतलब एक मिनट के अंदर ही ट्रेड हुआ था ये। तो इस कंफर्मेशन को निकालने के लिए ऑप्शन चैन का हाई बी वॉल्यूम के साथ क्या होना चाहिए, आपका स्ट्राइक प्राइस पे ओपनिंग होना चाहिए, ठीक। तो ये लॉजिक हो गया। अब दूसरा लॉजिक मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि पूरा का पूरा ट्रेड हमने होल्ड किया था 9:40 पे, हमने यहाँ पर बोला कि आप 5 रुपये पे बाय कर लो, और इसने आप देखोगे हाई जो लगाया था, हाई क्या लगाया था, हमारा जो एग्जिट प्लान था वो 18 रुपये पर था, यानी 5 रुपये से क्या था आपका 18 रुपये गया था, तो 5×15, 5×20 लगभग 1:3 के आसपास यहाँ पर आपको प्रॉफिट मिला था, ठीक है। इसीलिए मैं 5 रुपये 6 रुपये वाला टारगेट करता हूँ, अगर इसमें मोमेंटम मिला तो हाई भी क्वांटिटी के साथ बाइंग सेलिंग कर सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर, अब ये वाला लॉजिक मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। 9:40 हमने जो अपडेट किया था ये आप देख सकते हो, ठीक है। तो कुछ ये वाली कैंडल थी जब हमने अपडेट किया था, यहाँ पर ये वाली जब कैंडल थी रिट्रेसमेंट होने के बाद यहाँ पर, ठीक। तो 510 का जो स्ट्राइक प्राइस मैं आपको बता रहा हूँ 19,500 पे, जब 19,500 पे क्या है, जब यहाँ पर अच्छा खासा वॉल्यूम एन प्लस वाई डेटा था, तो इसी वजह से एन प्लस चेंज वाई भी था, ठीक है। तो जाहिर सी बात है मार्केट क्या होगा, मूवमेंट जरूर करेगा। बेसिकली वो 19,550 तक नहीं जाएगा, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था 19,550 तक जाएगा, लेकिन आपका 19,540 तक जरूर जाता है, ठीक है। यानी 10 पॉइंट 20 पॉइंट पहले, 10 पॉइंट 5 पॉइंट पहले ही मार्केट रिवर्स हो सकता था, ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, बट लेकिन कंटिन्यू मार्केट ऊपर चला ही गया, ठीक है। तो इसमें अपने को अच्छा खासा प्रीमियम मिला था, ओके। तो ये ध्यान देना है, जब भी इस तरह का कंडीशन आपको ब्रेकआउट मिले, ओपन रेंज ब्रेकआउट आप जब भी ट्रेड करो, तो थोड़ा सा आपको देखना है, 3-4 कैंडल को ऑब्जर्व करना है, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको डेटा चेक करना है, है ना। तो 19:40 पे आप डेटा आप यहाँ पर समझ लो, 19:40 का भी डेटा। उस वक्त जब मैं कर रहा था कि 19,500 को ब्रेक करके मार्केट कहाँ पर जाएगा, 19,550 तक जा सकता है, लेकिन आप देखोगे सेलर्स यहाँ पर एक्टिव था उस वक्त, ठीक है, 9:40 पे, है ना, सेलर तो एक्टिव था, बट मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि अगर 19,000 आपका ये 540 तक ये आराम से जा सकता है, 550 तक नहीं जाए, क्योंकि यहाँ पर सेलर्स एक्टिव है, तो ये क्या करेगा, मार्केट क्या होगा, ड्रॉप जरूर होगा, थोड़ा बहुत यहाँ पर रिट्रेसमेंट जरूर होगा, ठीक है। तो बाकी यहाँ पर हैवी क्वांटिटी के साथ बाइंग किया गया, तो जाहिर सी बात है 30-40 पॉइंट या 20 पॉइंट मार्केट तो अपसाइड जाएगा, तो उसका बेनिफिट हमको उठाना चाहिए, है ना। और इससे पहले अगर आप डेटा देखो बिल्कुल क्लियर है, सेलर्स है ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बायर्स है, तो मार्केट डाउन तो आएगा नहीं, है ना, क्योंकि जब सेलर्स ही नहीं है तो उसमें डाउन आने का फायदा क्या मार्केट को, ठीक है, क्योंकि डाउन आएगा तो ये बायर्स फिर से एक्टिव हो जाएगा और क्वांटिटी के साथ बाय करेगा, मार्केट ऊपर चला जाएगा, ठीक। तो इसी वजह से रिट्रेसमेंट नहीं हो रहा था मार्केट में, यानी 19,500 पे रिट्रेसमेंट नहीं हो, तो उसके ऊपर हुआ था, जो कि मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि 19,550 पे क्या था, आपका सेलर्स एक्टिव था 9:40 पे, इसी वजह से ये वाला जो रिट्रेसमेंट हुआ था वही कारण है, करेक्ट है। तो उसके बाद हमने कंफर्म किया 9:56 पे, फिर जाके आपको ट्रेड अपडेट किया था, ओके। बाकी और ट्रेड देख लेना, ये सारे के सारे ट्रेड हमने अपडेट भी किए एंड सिंपल हमने यहाँ पर देख लिया, सारे के सारे ट्रेड सक्सेसफुल, एक भी ट्रेड लॉस नहीं है। अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ दोस्तों कि कल कैसे अपन प्लान कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बैंक निफ्टी का और फिर डेटा का, मैं कुछ चीज़ें आपको बताता हूँ एंड ठीक है। एंड सबसे पहले आपको यहाँ पर लेबर्स पे आपको ध्यान देना है। लेबर्स देखो मैं आपको बता चुका कि ये एंडिंग एरिया आपका है 19,000, आपका 19,380 एंडिंग एरिया है, मार्केट यहाँ तक नहीं है, इससे पहले रिवर्स होगा, लेकिन मार्केट दोस्तों अगर 19,000 आपका 470 या 490 के बीच अगर मार्केट रेंज होता है, और रेंज होकर डाउन साइड ब्रेकआउट होता है, तो पहला टारगेट आपका 19,000 आपका 440 होगा। उसके बाद क्या होगा,
ये तीनों आपका ब्रेक होके मार्केट डायरेक्टली कहाँ आएगा आपका 19,370। तो ये 12,370 अपना क्या होगा, टारगेट होगा। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, मैं आपको डेटा भी एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए, है ना। तो 19,000 आपको देखो, मैं रिवर्सल के लिए इसलिए आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर मार्केट रिवर्स क्यों हो सकता है, क्योंकि 500 स्ट्राइक प्राइस है। और अगर आप देखोगे 500 स्ट्राइक प्राइस पे अच्छा खासा यहाँ पर सेलर्स का वॉल्यूम इंक्रीज है प्लस बायर्स का, तो वॉल्यूम क्या है ऑलमोस्ट फ्लैट है, बट कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि सेलर्स यहाँ पर हैवी क्वांटिटी, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। तो मार्केट क्या करेगा, 19,500 से पहले मार्केट, 19,500 से पहले मार्केट रिवर्स होगा, है ना। वो जो मैं अभी बताया हूँ आपको इस चार्ट पर, अगर आप देखोगे तो मैं 500 पे नहीं ड्रॉ किया हूँ, है ना। हमने 19,470 पर ड्रॉ किया है 19,490 से, यानी इसी के बीच में बोल रहा हूँ कि मार्केट क्या होगा, अगर मार्केट यहाँ पर कहीं गैप डाउन ओपन होता है या इसके बीच में कहीं पर ओपन होता है, उसके बाद मार्केट हिट करता है, तब मार्केट क्या होगा आपका डाउन डायरेक्शन में मूवमेंट होगा, ठीक है। अगर 500 के ऊपर, अगर यहाँ पर 500 के ऊपर ही फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर गैप ओपन हो जाता है, तो थोड़ा बहुत मार्केट डाउन आएगा, ज़्यादा नहीं आएगा, फिर 20-30 पॉइंट मार्केट आएगा और फिर यहाँ पर रिस्की ट्रेड हो जाता है, क्योंकि जब ऊपर ही ओपन हो जाएगा बायर्स एक्टिव होगा तो इसको लॉस होगा, तो यहाँ पर ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं होगा सेलर का, तो मार्केट थोड़ा बहुत ड्रॉप होगा लेकिन क्या होगा रिवर्स हो जाएगा, ओके। तो जब भी मार्केट गैप डाउन ओपन हो तो आपको अच्छा खासा यहाँ पर ट्रेंड आपको रिवर्सल मिलेगा, तो ये सॉरी गैप अप ओपन होता है तब आपको यहाँ पर आपको इग्नोर करना है, और गैप डाउन ओपन होता है तभी आपको रिवर्सल के लिए ट्रेड के लिए प्लान करना है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल है। एंड दूसरा लेवल हमारे लिए है 523 का, 19,523 के ऊपर अगर मार्केट जाता है तभी जाके बाय करना है। देखो रीजन आपको समझाता हूँ मैं, 600 का आप देखो 550 के दो स्ट्राइक प्राइस देखो, क्योंकि ब्रेक यही होगा, वो नहीं ब्रेक किसको करेगा 550 का एंड 600 का। अब यहाँ पर आप पुट साइड देखो, पुट साइड में देखो स्ट्रेंथ जो है वो सिर्फ 500 पे है। अगर 500 से मार्केट रिवर्स होता है तो यहाँ पर क्या होगा, क्वांटिटी को और होल्ड किया जाएगा, मतलब कि और भी यहाँ पर इंक्रीज किया जाएगा डेटा को। और जब मार्केट वापस ब्रेक करेगा, ठीक है, मार्केट 500 से मार्केट जाएगा 450 या 400 तक, वापस जब ब्रेक करेगा 500 को, तो ये जो रेजिस्टेंस लेवल आपको दिखाई दे रहे हैं ये रेजिस्टेंस लेवल काम नहीं करेंगे, 19,600 भी नहीं काम करेगा, 19,550 भी नहीं काम करेगा, और ब्रेक जरूर करेगा। प्राइस जहां पर जाएगा लो रेजिस्टेंस लेवल पे, जहां पर छोटा अमाउंट होता है, जब भी बड़ा रेजिस्टेंस होगा इसको ब्रेक कर रहा है तो छोटे वाले रेजिस्टेंस पे जाके मार्केट वहां पर क्या होता है रेंज होना स्टार्ट हो जाता है उसी के आसपास, फिर डिसाइड होता है कि इसको लॉस करवाना है यानी इसको फेक ब्रेकआउट करना है या मार्केट ऊपर जाना है, ठीक है, वो रेंज होने के बाद ही पता चलता है दोस्तों, करेक्ट है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि मार्केट क्या होगा डाउन गया अप आ रहा है तो 500 को वापस अगर ब्रेक कर रही है प्राइस तो अपने को क्या होगा अपने कंटिन्यूस ट्रेड करना है, जैसे मार्केट गया एंड डाउन आया देन वापस जा रहा है तो उसके बाद ब्रेकआउट होता है तो फिर अपने को लॉन्ग पोजिशन के लिए यहाँ पर प्लान करना है दोस्तों, ओके। तो आई होप आपको ये निफ्टी का समझ में आ गया, थोड़ा सा यहाँ पर चीज़ें है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ डेटा वाइज। एंड अगर आप बैंक निफ्टी में देखोगे तो काफ़ी अच्छा सीनेरियो, कल भी देखो इस लेवल के बारे में मैंने एक्सप्लेन किया था आपका, क्लियरली बताया था आपका 44,970 और आपका 45,000 ये स्ट्रॉन्ग एरिया होगा जहाँ पर मार्केट डिसाइड होगा, और मार्केट देखो वहीं से मार्केट क्या हुआ, और मैंने बोला था कि अब 44,570 ये एंडिंग एरिया होगा मार्केट का, और मार्केट देखो नियरली मार्केट एंड होके मार्केट रिवर्स होगा, ठीक है। देखो जो भी लेवल्स मैं आपको बताता हूँ डेटा वाइज बताता हूँ, जो कि आपको यहाँ पर मार्केट में देखने को भी मिलना होगा कि वहीं से मार्केट क्या हुआ आया और उसी लेवल से मार्केट रिवर्स हो रहा है, लेकिन मार्केट अगर फॉर एग्जाम्पल वापस भी अगर इस लेवल पर आता है तो मार्केट कंटिन्यू फिर से यहाँ पर अप ट्रेंड के लिए डाउन जाएगा। तो ओवरऑल आपको ये समझना है कि मार्केट क्या होगा 44,000 आपका 680 के नीचे अगर मार्केट ओपन होता है और उसके बाद रेंज होता है, तो रेंज होने के बाद क्या होना चाहिए अपसाइड ब्रेकआउट होना चाहिए। अगर अपसाइड ब्रेकआउट होता है तो एक अपने को अच्छा खासा मोमेंटम मिलेगा नहीं बड़े ट्रेड के लिए, और अगर डाउनसाइड ब्रेकआउट होगा तो अपने को यहाँ पर स्कैल्पिंग ट्रेड ही मिलेगा। और अगर डेटा 44,600 का, तो अगर 44,600 पर आप डेटा देखोगे तो यहाँ पर अगर ओवरऑल देखोगे तो कुछ भी मतलब चेंजेस ज़्यादा नहीं है, तो डेटा वीकनेस है दोनों तरफ से, मार्केट क्या है वीकनेस है, तो 44,600 डिसाइड नहीं कर पाएगा कि मार्केट ऊपर जाना है या नीचे जाना है। तो जब तक मार्केट क्या होगा इंट्राडे में रेंज नहीं होगा तब तक चेंज ओपन हो, जब तक कोई बदलाव नहीं होगा हाई भी तब तक मार्केट क्या होगा डिसाइड नहीं हो कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। इसीलिए बोल रहा हूँ कि आपको प्राइस जो होनी चाहिए दोस्तों यहाँ पर क्या होनी चाहिए आपका रेंज होना चाहिए इसके बीच में, उसके बाद ही मार्केट डिसाइड होगा अपसाइड के लिए एंड डाउनसाइड के लिए, ओके। एंड अगर फॉर एग्जाम्पल अगर अपसाइड के लिए ब्रेकआउट होता है तो 44,840 ब्रेकआउट होगा तो हमारा टारगेट क्या होगा 44,963 और 44,963 और आपका 45,000 पर मार्केट अगर ब्रेक होता है रेंज होके तो अपना यहाँ पर लॉन्ग पोजिशन आपको मिलेगा एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को दोस्तों। आई होप आपको ये दोस्तों पूरा समझ में आ गया होगा,
कैसे अपने को ट्रेड के लिए प्लान करना है। बाकी ऑप्शन चैन की सीरीज बहुत जल्द मंडे से स्टार्ट होगा, एंड क्योंकि स्टार्ट होगा एंड क्योंकि टाइम नहीं मिल रहा है तो मंडे से स्टार्ट होगा ऑप्शन चैन का सीरीज, तो पूरा डिटेल में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कैसे आप डेटा से आप देख के आप ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हो दोस्तों। ओके, तो थैंक यू सो मच।